नूर महल जी सुनिए, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। आप सुनती तो नहीं है, हवा में उड़ रही थी। कट गया ना पर। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? उदय, उदय, नमन। महल से आया हूँ, रानी माँ ने भेजा है। पैसे और ये फूल लेकर और ये चिट्ठी, तेरी बीबी की हालत पर अफसोस और दुआ की है उन्होंने। वो काफी दुखी थी इसलिए खुद ना आ पाई, मुझे भेज दिया। मैं भी काफी दुखी हूं, ये ले पैसे रख ले। ये पैसे अपने पास रख और वहां लौटा दियो, मुझे क्या करना है मैं खुद देख लूंगा। फिर मोटी बुद्धि वाली बातें। अरे अस्पताल और दवाइयों का खर्चा कैसे उठाएगा? अपने हालात और इसकी हालत देख, रख ले। तो हॉकी खेलने वाला ये मुजरा करने वाले, और इस हालत में ये मुजरा भी नहीं कर सकती। तेरा खटाला मैं पूरे उदय पे। तुम जाओ यहाँ से, उदय संभाल के। चला तो जाऊंगा मैं, ये जगह किसी के बाप की नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, समझे? ओए, पांच गुंडों को मार के अपने आप को तोप समझ रहा है? नमन नाम है मेरा, नमन सिंह, और मैं काबू में नहीं आता हूँ, काबू में करता हूँ। रानी माँ का अंगरक्षक नहीं होता ना तो इतनी पिटाई करता ना कि यहीं बिस्तर लगा देता इसके बगल में। छोड़ो, वो तो बेवकूफ है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। तुम फिर जी आप शांत हो जाइए और जाकर हाथ मुंह धोकर आ जाइए। वशमा को देखना, जाओ उदय। अमृत, बाप क्या सोच रही है? रणधीर, नमन को कैसे पता कि दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच ही गुंडे थे। हमने पांच गुंडों से लड़ाई की है। हाँ हाँ अमृत, अरे वो डरपोक नमन ऐसा कर ही नहीं सकता। और आपको पता है, ये जो पहलवान दिखने वाले जैसे लोग होते हैं ना, इनकी अकल ना घुटनों में होती है, घुटनों में। और वो गधा नमन, वो तो ये करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं रणधीर, मुझे तो लगता है कि वो ऐसा कर सकते। अब गुंडे भेजकर पीछे खड़े रहने में कौन सी बहादुरी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, अंगरक्षक है वो, पीछे खड़ा रहना तो उसकी आदत है ना। आपने देखा उसे कैसा रहता है, ऐसे यूं, जी रानी माँ, हाँ रानी माँ, ना रानी माँ, दिन भर ऐसे रानी माँ की पूछ बन के ना दिन भर उनके पीछे घूमता रहता है। मैं तो बोलूंगा वो ना गधा भी नहीं, वो तो बेचारा रानी माँ का कुत्ता है, कुत्ता। और वो ये सब नहीं कर सकता। रणधीर आप पहले तय कर लीजिए कि वो कुत्ते हैं या गधे। देखिए, शकल से बंदर, दिमाग से गधा और आदत से कुत्ता। और अमृत क्या है ना, कुत्ता ना अपने मोहल्ले में भी शेर होता है, और जैसे दूसरे मोहल्ले जाता है ना तो उसकी औकात नहीं होती भौंकने की। और मैं तो बोलूं वो तो कुत्ता भी नहीं, वो तो बेचारा बेचारा बकरी है। और वो भी कौन सी बकरी, घर में पलने वाली बकरी जो दिन भर रानी में करती रहती है। अब आप बताइए, अब वो कैसे कर सकता है? बकरी की आवाज अच्छी निकालता है, निकाल के दिखाना, आँख खोल के देख। शेर, शेर, और शेर के आगे ना बकरी की आवाज नहीं निकलती। उस दिन तो गुंडे भेजे थे, कहे आज यहीं जमीन पे अकेले गाड़ दूं तुझे। अच्छा, जमीन में गाड़ेगा। धूल तो मैं तुझे चटाऊंगा नमन। आ, 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 आ,
गधा तो तू है और ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुझ जैसा गधा इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता। बता, मैं तो इतना मारूंगा कि आईने में तू अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा। तू तो एक अंगरक्षक है, भला तुझे ये सब करने के लिए कौन बोल सकता है? ये सब मैंने खुद किया है। अमर, मुझे बेवकूफ मत समझ, समझा? मुझे सच सच बता तेरे साथ कौन था। नहीं बताएगा? हाँ नहीं बताएगा? अमृत, चलिए इसको पुलिस के हवाले कर देते और फिर असली मुजरिम को हम खुद ढूंढते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रणधीर, जब ये मिल गए हैं तो असली मुजरिम भी मिल ही जाएंगे। अभी के अभी ले चलते हैं इन्हें। सोच ले बेटा, क्योंकि तेरा साथ देने वाले तुझ जैसे गधे नहीं होंगे, वो जरूर कोई सियार या नोमड़ी होंगे जिन्होंने तुझ जैसे गधे को आगे करके खुद आराम से अपने घरों में बैठे हुए ताकि तू फंसे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।